दरगाह के लोगों से सभी से संवाद किया गया, उनसे गुफ्तगू की गई, बात की गई। सभी ने कहा कि जो भी हिंसा या ईंट पत्थर चले वो उसकी पूरी तरह से निंदा की जाती है, लड़कों को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए तो भविष्य अंधकार में जाता है। ये सब अपीलें उन्होंने जारी भी की हैं, विजुअल्स जारी किए हैं, अपील जारी की है, उसको आम जनता में भेजा गया है। उसी के सिलसिले में आम जनता में एक सुरक्षा का वातावरण देने के लिए, महसूस कराने के लिए हमारे द्वारा, डीएम साहब के द्वारा, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा, एडीजी साहब के द्वारा, सभी के द्वारा खुद पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि आम जनमानस में सुरक्षा का एक माहौल कायम हो। कल के लिए हमने बहुत सारे 200 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए हैं, फायर टेंडर की कई गाड़ियाँ रहेंगी, पानी के टैंकर्स रहेंगे, पहले की कंपैरिजन में 15-16 गुना ज़्यादा फोर्स तैनात की गई है। कई नई चीज़ें भी डाली गई हैं, जैसे MSL है, मल्टी सेल लॉन्चर्स जो RF ने नया लिया है, उसे एक साथ कई गोले फायर किए जा सकते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। जैसे हमारा प्रयास है कि कोई शांति में कोई खलल ना पड़े ताकि हमें किसी पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत भी ना पड़े, नौबत भी ना आए, ऐसा कोशिश किया गया है। और कल भारी संख्या में पुलिस बल जगह जगह पर रहेगा, संवेदनशील इलाकों में रहेगा, चिराहों चौराहों पर रहेगा, सभी की चेकिंग की जाएगी, एक बाइक पे 3 सवारियां जो हैं खासा नज़र रहेगी, बिना नंबर की गाड़ियों पर नज़र रहेगी, इस तरह का काम किया जा रहा है। आज रात में तमाम होटल्स के ढाबा सराय, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, मस्जिदों के आसपास, मंदिरों के आसपास, गुरुद्वारा और चर्च के आसपास, मदरसों के आसपास भी चेकिंग की जाएगी कि ऐसे कोई खुराफाती शराबी तत्व इन जगहों पे आके रह तो नहीं रहे हैं, इसकी भी चेकिंग की जाएगी। पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है, बहुत सारे हमें फोर्स मिले हैं, जिले का फोर्स हज़ारों की संख्या में है, आउट जिले से भी फोर्स मिले हैं, PAC और पैरामिलिट्री बल भी मिला है, सभी को ब्रीफ किया गया है, सुसज्जित किया गया है और सभी के साथ हमें उम्मीद है कि हम आम जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे और कोई भी शरारती तत्व व्यवधान नहीं डालने पाएगा। हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म का, मजहब का हो, सभी की यही ख्वाहिश है कि शांति व्यवस्था बनी रहे।